तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं हिना, और इसके लिए हम लोग को चाहिए पहले ये मैंने लिया है अनूपपुर का ये हिना मेहंदी, और आप लोग आपके पसंद का कोई भी ले सकते हो। और पहले हम लोग मेहंदी को अच्छे से काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अनूपपुर का लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। और इसे हाँ लोहे के कढ़ाई में बनाना है, मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं है इसलिए लोहे का जस्ता मैं उसमें बना रही हूँ। ओके, ये हमारे हेयर को नेचुरली ब्लैक करने का काम करता है, और मेरे खुद के हेयर 1-2 वाइट वाइट हो गए हैं। सो मैं बना रही हूँ, आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग दे रही हूँ। पे मैंने 2 लिया है, बस इतना कम है, एक और ले लेती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने ये ले लिया है, और अब हम इसमें लेंगे आंवला पाउडर। और देखिए ये मेरे घर का बनाया हुआ आंवला, मैंने खुद आंवला को सुखा के और अच्छे से उसको कूट के बनाया है। और 1 टेबल स्पून के करीब हम लोग आंवला पाउडर ले रहे हैं। इसको साइड कर दिया, और 1 टेबल स्पून के करीब हम लोग शिकाकाई पाउडर लेंगे। तो हमने 1 टेबल स्पून शिकाकाई पाउडर ले लिया, थोड़ा और ले लेते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे लेंगे जटामासी पाउडर। ओके, ये ब्लैक होता है, ब्लैक इसको लेके मैंने घर पे ही पाउडर बनाया है, मैंने पाउडर नहीं मंगाया। देखिए ब्लैक कलर है। ओके, तो ले लिया, और अब हम लोग लेंगे इसमें हाँ ब्राह्मी पाउडर। चेक कर सकते हो आप लोग, मिटा जा रहा है, ऐसे सही जाएगा, सही नहीं जा पा रहा है। ये हमारा ब्राह्मी पाउडर, 1 टेबल स्पून हम लोग यहाँ पे ब्राह्मी पाउडर ले रहे हैं। ओके, तो हमने डाल दिया यहाँ पे ब्राह्मी पाउडर डाल दिया। अब हम लोग डालने जा रहे हैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब भृंगराज पाउडर। ओके, भृंगराज हो गया। यहाँ पे हम लोग लेंगे ये देखिए हिबिस्कस पाउडर, मेरे पास पाउडर है, अगर आपके पास पेड़ है तो आप उससे फ्लावर तोड़ के भी उसको भी हिबिस्कस में डाल सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून हम लोग लेंगे यहाँ पे हिबिस्कस पाउडर हो गया। और यहाँ पे हमने लिया है देखिए यहाँ पे ग्रीन टी, नीम और चाय की पत्ती को अच्छे से बॉइल करके उसको छान लिया, और इसमें हम लोग मिला के इसको अच्छे से मिलाएंगे। ओके, इसको हम लोग को अच्छे से मिलाना है। मैं दिखा दूंगी आप लोगों को, मुझे यहाँ पास लाना अंदर। देखिए अच्छे से पानी डालना है, उसको मिलाना है, देखिए पास ही दिखाओ अभी वो। देखिए अच्छे से उसको मिला लेना है, पूरी इसमें जाएगी मेरी, इससे हमारे बालों में एक नेचुरल और बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आता है। लोग इसको अच्छे से मिला लीजिए। और हाँ, मेहंदी लगाने के बाद किसी के बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, तो आप चाहें तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। ठीक, तो मैं भी यहाँ पे ले रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब ये ऑयल ले रही हूँ। जमा हुआ है हल्का, इतना काफ़ी है। ओके, आप लोग ले सकते हैं अगर आप लोग के हेयर बहुत ज़्यादा रफ है। तो मैंने इतना लिया है, उसको अच्छे से मिला दीजिए। मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं थी इसलिए मैंने ये लोहे का, मेरे पास जस्ता है, इसमें मैं बहुत कुछ कूटती हूँ घर पे बनाती हूँ, तो वो जस्ता में मैंने बना लिया और बना के आप लोगों को दिखा दिया। आप लोग लोहे की कढ़ाई में बना लोगे या फिर जो बर्तन भी आप लोग के पास लोहे की हो। और अगर मेरी, और इसको रात भर के लिए इसी तरह से फूलने के लिए रहने दीजिएगा, फिर मॉर्निंग में आप लोग अपने तेल लगे बालों पे नहीं लगाना है। इसको अच्छे से शैम्पू करके बाल को क्लीन करने के बाद, हल्का ड्राई होने के बाद, उसके बाद ये मेहंदी अपने बालों पे अप्लाई करना है, ठीक है। और आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा रफ है तो। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।